दक्षिण पूर्व जिले के थाना जैतपुर पुलिस ने एक वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो रिसीवर के साथ 5 ऑटो लिफ्ट को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गिरोह की गिरफ्तारी से वाहन चोरी के 27 मामले सुलझ गए। आरपी मीना डीसीपी दक्षिण पूर्व जिला के अनुसार 27 जून को एक शिकायतकर्ता प्रकाश बडोली ने थाना जैतपुर में एक FIR संख्या 16956/2021 IPC के तहत शिकायत दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि 27 जून को लगभग 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से सौरभ विहार जैतपुर में गुप्ता मेडिकल स्टोर से कुछ दवा लेने आया था। मोटरसाइकिल खड़ी करके दवा लेने गया, उसी दौरान किसी ने उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली, जिसका नंबर DL3SERXXXX था। जैतपुर थाना क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को देखते हुए ACP बदरपुर अजय कुमार ने जैतपुर थाना SHO उगेश कुमार के नेतृत्व में SI संजीव, ASI जयप्रकाश, ASI रविंदर, HC आनंद कुमार, हेड कांस्टेबल कुलश्रेष्ठ, हेड कांस्टेबल जगजीत, हेड कांस्टेबल लोमेश, कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल नवीन, कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल राजीव, कांस्टेबल राजेश और कांस्टेबल रेवती लाल की एक टीम बनाई। पुलिस टीम ने घटनास्थल से डंपिंग डाटा प्राप्त कर सस्पिशियस मोबाइल नंबरों की सर्विलांस और मुखबिर की मदद से जैतपुर के मीठापुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सस्पिशियस की पहचान पलवल हरियाणा निवासी 20 वर्षीय प्रेम सिंह उर्फ और जैतपुर निवासी 20 वर्षीय संदीप उर्फ CP के रूप में हुई। शुरू में दोनों सस्पिशियस पुलिस को गुमराह करते रहे। कड़ी पूछताछ में दोनों सस्पिशियस लड़कों ने चोरी की बात कबूल ली। इनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार ऑटो लिफ्ट की निशानदेही पर टीम ने पलवल हरियाणा में छापा मारा और 3 लोगों 19 वर्षीय रविंदर उर्फ रवि, 19 वर्षीय कुलदीप उर्फ दीपू और 19 वर्षीय बलविंदर उर्फ बिल्ला को उनके घर से गिरफ्तार किया। इनसे चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार ऑटो लिफ्टर से निरंतर जांच में चोरी के वाहन खरीदने वाले 2 व्यक्तियों को भी हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी पहचान 23 वर्षीय अमरीक सिंह और 19 वर्षीय गुरदास के रूप में हुई। इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। थाना जैतपुर पुलिस ने सभी 7 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर इनसे 11 मोटरसाइकिल बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। लगातार पूछताछ करने पर 5 ऑटो लिफ्टरों ने खुलासा किया कि वे करीबी दोस्त हैं। उन्हें स्मैक की लत है। ड्रग्स की अपनी लत को पूरा करने और कम समय में जल्दी पैसा कमाने के लिए उन्होंने दिल्ली NCR से दिन के उजाले में ऑटो लिफ्टिंग शुरू की। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने चोरी की मोटरसाइकिलें को अमरीक और गुरदास सिंह को बेच दिया। पूछताछ करने पर चोरी के वहां खरीदने वाले दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और कम समय में जल्दी पैसा कमाने के लिए उन्होंने चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचना शुरू कर दिया। यह लोग चोरी की मोटरसाइकिलों को हरियाणा और राजस्थान में बेच दिया करते थे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।